फेल हो गए चीन के सारे जासूसी पोत और षड्यंत्र। भारत ने दाग दी दैत्याकार परमाणु मिसाइल अग्नि 5। सिर्फ 12 मिनट में कर लेगी चीन पर कब्जा, तो सिर्फ 90 सेकंड में निपटा देगी पाकिस्तान को। बंगाल की खाड़ी में अग्नि 5 ने किया जोरदार धमाका। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की हरकतें बढ़ती जा रही हैं, उसके देखते हुए भारत अपनी आसमानी सुरक्षा को बढ़ा रहा है और इसके लिए भारत अपने स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट एम का और तेजस मार्क 2 को विकसित कर रहा है और इस काम के लिए मोदी सरकार ने तेजी लाने के लिए आदेश दिया है। तो वहीं दोस्तों, भारत के रक्षा वैज्ञानिकों की टीम यानी DRDO की चुनिंदा टीम भारत की मिसाइली ताकत को बेतहाशा बढ़ाने के लिए काम कर रही है और अब तो इस काम को सुपर फास्ट तरीके से करने के नए आदेश भारतीय वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं और इसी क्रम में भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने देशवासियों को खुश होने का एक बड़ा कारण दे दिया है, क्योंकि DRDO ने भारत की अग्नि 5 जैसी दैत्याकार मिसाइल को एक बार फिर से दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में लाकर खड़ा कर दिया है और बेहद ही खुफिया प्रोजेक्ट के तहत काम करते हुए अपने मिशन दिव्यास्त्र के तहत इस मिसाइल को और भी ज्यादा अपग्रेड कर इसे चीन की मौत बना दिया है। इस मिसाइल के साथ भारत ने बंगाल की खाड़ी में ऐसा जोरदार धमाका किया है कि देखने वालों को कान खड़े हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में 3,500 किलोमीटर का नोटम वार्निंग जारी किया था, लेकिन भारत की मिसाइल ने 5,000 किलोमीटर रेंज के साथ ही इस मिसाइल की ताकत को दिखा दिया है, जिसके बाद तो खुद चीन भी डरा हुआ है, क्योंकि ये मिसाइल अगर चाहे तो उसके बीजिंग शहर को मात्र 12 मिनट में तहस नहस कर सकती है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस मिसाइल की ताकत को आप कुछ इस तरह से जान लीजिए कि ये मिसाइल मात्र 90 सेकंड में समूचे पाकिस्तान को तबाह कर सकती है। अब सोने पर सुहागा ये है कि भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल में कुछ ऐसी तकनीक लगा डाली है कि ये मिसाइल अब और भी ज्यादा मारक बन गई है। दोस्तों, वीडियो में हम भारत की शान इस मिसाइल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसी भयंकर मिसाइल अग्नि 5 बनाने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट उनके सम्मान में इस वीडियो पर लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द ही DRDO के वैज्ञानिक अग्नि 6 भी जल्द ही उतार दें तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखकर अपना व्यू जरूर दीजिएगा। भारत का मिशन दिव्यास्त्र पूरी तरह से सफल। पीएम मोदी ने खुद दी मिशन के सक्सेस की जानकारी। अब चीन खुद कर रहा है मिशन को लेकर आपात बैठकें। भारत की अग्नि 5 मिसाइल अब और भी ज्यादा मारक और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि भारत ने अपने बेहद ही खतरनाक और खुफिया मिशन दिव्यास्त्र के तहत इस मिसाइल की इस अहम टेस्टिंग को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि पीएम मोदी खुद इस मिसाइल टेस्टिंग को देख रहे थे। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये मिसाइल और ये टेस्ट भारत के लिए कितना अहम है। वास्तव में ये चीन को एक चेतावनी की तरह है कि अगर चीन भारत की सीमा में जरा सी भी हरकत करता है तो भारत उसका ताबीज बना देगा, क्योंकि इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की जद में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आधी दुनिया आ गई है। अग्नि 5 के सफल टेस्ट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अग्नि 5 एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस है। आपको बता दें कि भारत के पास अग्नि सीरीज की 1 से 5 तक मिसाइलें हैं, इनकी अलग अलग रेंज हैं। अग्नि 5 इनमें से सबसे खास है। यह मिसाइल 5,000 से भी ज्यादा दूर का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसके परीक्षण में लिए भारत पिछले काफी समय से तैयारी कर रहा था। हालांकि ये परीक्षण कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। माना जा रहा था कि 16 मार्च तक कभी भी भारत इसका परीक्षण कर देगा। इसके लिए ओडिशा तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 3,500 किलोमीटर तक का क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज और इसकी रफ्तार ही इसकी खासियत है। यह चीन और पाकिस्तान को पल भर में तबाह कर सकती है। दिल्ली से बीजिंग की दूरी 3,791 किलोमीटर है।
यह दूरी तय करने में इस मिसाइल को 12 मिनट लगेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने में यह सिर्फ 1.5 मिनट लगी। इतने कम समय में यह नई दिल्ली से इस्लामाबाद की 679 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। मारक क्षमता को देखें तो पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान और ईरान तक इसकी जद में होंगे। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइली ताकत, एक ही झटके में पूरा चीन कर सकती है राख। दोस्तों, अग्नि 5 का भारत के DRDO ने एक बार नहीं बल्कि कई बार परीक्षण किया है और हर बार इस मिसाइल ने टारगेट को सटीक तरीके से नेस्तनाबूद किया है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन का लगभग कोई शहर नहीं है जो भारतीय मिसाइल की जद से बाहर हो। इसका मतलब सीधा है, अगर चीन ने ईंट मारने की हिमाकत की तो जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अग्नि 5 इसी वजह से तैयार की गई है। दोस्तों, यहां पर आपको यह बात भी बता दें कि अग्नि 5 की रेंज को भारत ने पिछले साल ही बढ़ा लिया था। बताया जा रहा है कि पिछली बार जब इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था तो खुलासा भी हुआ था कि भारत ने अग्नि 5 की रेंज को 5000 से बढ़ाकर 8500 किलोमीटर तक कर लिया है। इस खुलासे के बाद चीन और पाकिस्तान में अच्छा खासा डर देखा गया था। हालांकि ये बात ज्यादा ओपन नहीं की गई क्योंकि 5000 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा की रेंज रखने वाली मिसाइलों का खुलासा होने पर अमेरिका भारत पर बैन लगा सकता है। यही कारण है कि भारत गुपचुप ये मिसाइल टेस्ट करता है। चीन इस मिसाइल से काफी डरता है और इसका सबूत ये है कि वो UN में अग्नि 5 की बातें रखकर अपना डर दुनिया को जता चुका है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में चुगली तक कर चुका है। उसने आरोप लगाया है कि भारत की इस मिसाइल की रेंज कहीं और ज्यादा है, वह इसे घटाकर दिखा रहा है। उसने यह भी कहा है कि इस मिसाइल की टेस्टिंग पर रोक लगाने की जरूरत है, ऐसा नहीं हुआ तो हथियारों की होड़ तेज होगी, यह क्षेत्र की स्थिरता के लिए सही नहीं होगा। यह भी आरोप मढ़ा है कि भारत एशिया में शांति के वातावरण को खराब करना चाहता है। वहीं जानकार मानते हैं कि चीन का दुनिया भर में हंगामा मचाना सिर्फ दिखावा है। असली दिक्कत यह है कि अग्नि 5 के कारण अब उसके सभी शहर भारत की जद में हैं। इसी बात से उसे पेट में दर्द है। दूसरी अहम बात है कि यह भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्कों में खड़ा कर देता है। अभी सिर्फ 5 देश ही ICBM होने का दम भरते हैं। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। चीन की चिंता इसी बात से है। पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर हैं कि वह चीन को कैसे जवाब देता है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण उसे मुफीद जवाब है, खास तौर से यह देखते हुए कि वह किस तेजी के साथ हाल में धड़ाधड़ मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है।